20 जुलाई 1969 इतिहास में रचा गया ये वो ऐतिहासिक दिन था क्योंकि इसी दिन इंसानों का पहला कदम चांद पर पड़ा था। नासा के द्वारा किया गया अपोलो 11 मून मिशन जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी क्योंकि इस मिशन के जरिए इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने जा रहा था। इस मिशन की सफलता को इस साल 50 साल पूरे हो चुके हैं और आज दुनिया भर में हर कोई अपोलो 11 मिशन के बारे में जानता है, लेकिन आज तक हम सभी इस मिशन के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उस दिन अपोलो 11 में गए एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर सही सलामत लैंड किए थे और कुछ घंटे बिताने के बाद वे सही सलामत धरती पर वापस लौट आए थे। लेकिन दोस्तों, अपोलो 11 की स्टोरी जितनी सिंपल लगती है वैसी है नहीं, क्योंकि उस समय चांद पर तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने तीनों एस्ट्रोनॉट्स और नासा के कंट्रोल सेंटर में मौजूद सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था चांद पर उस समय, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चांद पर पहुंचने की रेस 1950 के दशक के अंत से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि सोवियत ने दुनिया का सबसे पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च करके पूरी दुनिया को स्पेस की रेस में पीछे छोड़ दिया था। इसी बीच यूएस और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और इसी कोल्ड वॉर को जीतने के चक्कर में यूएस ने चांद को ही पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया था। इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यूएस सोवियत की इस सफलता से अपने ऊपर काफी दबाव महसूस कर रहे थे, जिससे उन्होंने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए कई ल्यूनर मिशन रेडी किए थे जिसमें अपोलो 8 और अपोलो 10 शामिल थे। अपोलो 11 की सक्सेस के पीछे इन दोनों मिशन का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अपोलो 8 पहला क्रूड मिशन था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव धरती के लोअर एटमॉस्फेयर को छोड़कर चांद के ऑर्बिट को पकड़ना था और चांद को ऑर्बिट करके सही सलामत धरती पर लौटकर आना था। ये मिशन 21 दिसंबर 1968 से लेकर 27 दिसंबर 1968 तक चला था और अपोलो 10 मिशन को एक ड्रेस रिहर्सल के जैसे बनाया गया था, जिसमें चांद पर लैंड करने के लिए सभी कंपोनेंट और सभी लैंडिंग प्रोसीजर को फॉलो करना था और टेस्ट करना था। इस मिशन में ल्यूनर मॉड्यूल को चांद की सतह से सिर्फ 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट किया गया था। ये मिशन नासा का पूरी तरह सफल रहा था और अब बारी थी अपोलो 11 की, जो अपोलो 10 के 3 महीने बाद 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसमें तीन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को भेजा गया था। अपोलो 11 का मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल गोल को पूरा करना था, जो यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के द्वारा सेट किया गया था, जो था क्रू को चांद की सतह पर लैंड कराना और सेफली धरती पर वापस लौट कर आना। लॉन्च के 4 दिन बाद वे सही सलामत चांद के ऑर्बिट तक पहुंचे और वहां चांद की सतह पर लैंड करने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जिसमें ल्यूनर मॉड्यूल जिसे ईगल भी बोला जाता है वह कमांड मॉड्यूल से अलग होता है। ईगल के लैंडिंग स्पॉट को पहले से ही निर्धारित किया गया था। जब ईगल को चांद की सतह पर लैंड कराया जा रहा था तो किसी कारण वह अपने नॉर्मल स्पीड से 4 सेकंड तेज चल रहा था, मतलब ईगल के लिए जो लैंडिंग स्पॉट पहले से चुना गया था अब वह वहां पर लैंड ना करके अब किसी दूसरे स्पॉट पर लैंड कराया जाएगा, जिसका आइडिया ना ही ईगल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को था और ना ही नासा के कंट्रोल सेंटर में मौजूद साइंटिस्टों को, जो हर सेकंड एस्ट्रोनॉट्स के साथ कॉन्टेक्ट में थे। दूसरी तरफ ईगल और चांद की सतह बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थी, इसलिए ईगल में बैठे एस्ट्रोनॉट आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को जल्दी ही इस मुश्किल का हल ढूंढना था, वरना ईगल का हाल भी वैसा ही होता जैसा चंद्रयान 2 का हुआ था। और फिर जैसे ही ईगल चांद की सतह से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो अचानक ईगल के सिस्टम में एक एरर शो होने लगा, जो था प्रोग्राम अलार्म 1202। यह एक सेफ्टी गाइडलाइन थी जो कंप्यूटर द्वारा तय की गई थी। ये एरर रेडार स्विचेस में अचानक मिस कॉन्फ़िगरेशन के कारण आया था, जिससे अब ईगल की ऑटोमेटिक लैंडिंग के कोऑर्डिनेट्स भी एरर देने लगे थे। उधर लैंडिंग का समय अब ज्यादा नहीं बचा था, ऐसे में आर्मस्ट्रांग को डिसाइड करना था कि ईगल को अपने सामने दिख रहे विशाल क्रेटर में लैंड कराया जाए या फिर ईगल को मैनुअली कंट्रोल करके ऐसी जगह पर उतारा जाए जिससे ईगल अपनी और बज एल्ड्रिन की जान बचा सके। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को देखकर नील आर्मस्ट्रांग ने ईगल के कंट्रोलर्स को अपने हाथ लिया और वे बहुत ही बड़े क्रेटर को पार करते हुए 20 जुलाई को तकरीबन 8:17 पर ईगल को सक्सेसफुली लैंड कराया था। दोस्तों, जिस जगह पर नील आर्मस्ट्रांग ने ईगल को लैंड कराया था उस जगह का नाम आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने ट्रैंक्विलिटी बेस रखा था। वही नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा था और वही उन्होंने अपने देश का झंडा फहराया था। वेल, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि एक सफल लैंडिंग के बाद ये मिशन पूरा हो गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था।
क्योंकि असली मुश्किलें तो आनी बाकी थी, जिसके चलते मिशन किसी भी पल खत्म हो सकता था। जब ईगल लैंडिंग की खबर को दुनिया भर में दिखाया जा रहा था तो लोगों को लग रहा था कि अपोलो 11 अपने मिशन में कामयाब हो चुका है और अब पूरी दुनिया में सिर्फ जश्न ही मनाना रह गया है। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था कि इस मिशन की असली चुनौती यानी चांद से धरती पर एक सफल वापसी अभी बाकी थी, जिसको पूरा किए बगैर ये मिशन अधूरा ही रह जाता। लेकिन धरती पर वापसी एक छोटी सी गलती के कारण इम्पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि चांद की सतह पर लैंड करने के बाद वह करीब 21 घंटे 36 मिनट तक रुके हुए थे। उस समय पर चांद का टेम्परेचर -100 डिग्री तक चला गया था, जिससे ईगल के इंजन में मौजूद फ्यूल पाइप में चांद के बहुत ही कम टेम्परेचर के कारण उसमें दबाव बढ़ने लगा और उसके अंदर की नमी धीरे धीरे जमने लगी थी। जब वे ईगल को कमांड मॉड्यूल के लिए लॉन्च कर रहे थे तो पाइप में जमी बर्फ के कारण दबाव इतना बढ़ गया था कि वह किसी भी वक्त फट सकता था। अगर ऐसा होता तो वे हमेशा के लिए चांद पर ही फंस के रह जाते। लेकिन वहाँ उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वह बर्फ पिघलने लगी थी, जिससे पाइप पर लगने वाला दबाव नॉर्मल होने लगा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किस्मत भी उनका साथ निभा रही थी कि ये मिशन पूरी तरह सफल रहे। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि ईगल में एक नई प्रॉब्लम ने दस्तक दे दी थी, क्योंकि सिस्टम का एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसके कारण सर्किट ब्रेकडाउन होने लगे थे और उस हिस्से के सिस्टम की पावर भी डाउन होने लगी थी। लेकिन काफी देर बाद बस एल्ड्रिन को वो स्विच मिल गया था, लेकिन उस स्विच से वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। और ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस दोनों के पास नहीं था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी घंटे बीत चुके थे। ऐसे में बस एल्ड्रिन को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने एक पैन को उस टूटे हुए स्विच में प्लग करके देखा। हैरानी की बात यह थी कि यह आइडिया बस एल्ड्रिन का काम कर गया था, जिससे ईगल के वो बंद सिस्टम काम करने लगे थे। और अब वक्त था तीनों एस्ट्रोनॉट्स के घर वापसी का। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को घर वापस लाने के लिए कोलंबिया विमान, जिसमें दो मॉड्यूल मौजूद थे, कमांड मॉड्यूल जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स थे और दूसरा सर्विस मॉड्यूल जिसमें चांद की सतह से लिया गया करीब 22 किलो का मटेरियल था। कोलंबिया विमान के धरती के वातावरण में एंटर करने के बाद दोनों मॉड्यूल को अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाना था, ताकि वे एक दूसरे से ना टकराए और आसानी से पैसिफिक ओशन में जाके लैंड कर पाए। लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे ही ये दोनों मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किए और जब दोनों को इजेक्ट किया गया, तो ये दोनों मॉड्यूल अपने डायरेक्शन में अपोजिट जाने के बजाय वह एक साथ सेम डायरेक्शन में जाने लगे थे। और जिस स्पीड के साथ ये दोनों मॉड्यूल धरती की ओर आ रहे थे, ये दोनों टकराना तो दूर, अगर ये दोनों एक दूसरे से टच भी हो जाते तो दोनों मॉड्यूल वहीं ब्लास्ट हो जाते। लेकिन यहाँ भी वे बिल्कुल सुरक्षित रहे थे और सही सलामत धरती के पैसिफिक ओशन में जाकर गिरे थे, जिसमें दोनों मॉड्यूल और तीनों एस्ट्रोनॉट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। और ये वो पल था जब अपोलो 11 पूरी तरह एक सफल मिशन साबित हुआ। लेकिन अभी एक खतरा था जो तीनों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चल रहा था, क्योंकि वे धरती के बाहर जाकर दूसरे वातावरण में होकर आए थे, तो नासा के साइंटिस्टों को ये डर था कि कहीं इनके शरीर में कोई अज्ञात वायरस या बैक्टीरिया ने जन्म तो नहीं ले लिया, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसलिए तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था, ताकि अगर कोई वायरस ने इनके शरीर में जन्म लिया होगा तो उसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस क्वारंटाइन का एक कड़वा सच ये भी है कि अगर तीनों में से किसी के अंदर वायरस का प्रभाव दिख जाता तो उन्हें इस क्वारंटाइन फैसिलिटी में ही मर जाना था, क्योंकि उस समय साइंटिस्टों के द्वारा इसका क्योर बनाना संभव नहीं था। लेकिन किस्मत ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स का साथ निभाया और तीनों एस्ट्रोनॉट अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके दुनिया के सामने एक न्यू सुपर हीरो के जैसे सामने आए थे। और इसी मिशन की सफलता के बाद नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले इंसान बने जिन्होंने चांद के जमीन पर अपना पहला कदम रखा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।